नवाज शरीफ का नाम ईसीएल से निकालने का फैसला ना हो सका। काबीना की ज़ेली कमेटी के इजलास में 1.5 लाख बरकरार। कमेटी की नेब को आज सुबह 10 बजे तक जवाब जमा कराने की हिदायत। कमेटी अपनी सिफारिशात मुरतब करके फैसले से आज ही आगाह करेगी। वज़ीर कानून फारूक नसीम कहते हैं फैसला मेरिट की बुनियाद पर होगा, अपनी सिफारिशात से हुकूमत को आगाह करेंगे। नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की गैर मशरूत इजाज़त देने से हुकूमत का इनकार। वफाकी काबीना की अक्सरियत मशरूत इजाज़त देने की हामी। मुआवन खुसूसी फिरदौस आशिक ऐवान कहती हैं नून लीग बॉन्ड की शर्त पूरी करे तो हुकूमत रुकावट नहीं डालेगी। नवाज शरीफ का हुकूमती शर्त तस्लीम करने से इनकार। शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में फैमिली मेम्बरान से मुशावरत। वफाकी काबीना की ज़ेली कमेटी को भी आगाह कर दिया। अता तारल कहते हैं 1.5 लाख बरकरार है। डील की बातें करने वाले हुकूमती वज़रा को तोहीन अदालत के नोटिसेस का सामना। अलीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं करप्शन के केसेस का फैसला इमरान खान ने नहीं अदालतों ने करना है। वज़ीर आज़म से वजाहत ली जाए कि किस बुनियाद पर कहते हैं NRO नहीं दूंगा। क्या आज़ादी मार्च ख़त्म हो गया? फजल रहमान ने कंटेनर से प्लान बी का ऐलान कर दिया मगर ये न बताया कि प्लान बी है क्या। बोले आज यहाँ से प्लान बी की तरफ चलेंगे, प्लान की तफसीलात सूबाई कमेटियाँ बताएंगी। मौलाना ने नून लीग समेत तमाम अपोजिशन जमायतों का शुक्रिया भी अदा किया। और 17 रुपये फी किलो टमाटर के बाद मटर 5 रुपये फी किलो मिलने का दावा। मीडिया ने हुकूमती दावाओं को बेनकाब कर दिया। सब्जी मंडी में 5 रुपये में मटर की सिर्फ 3 फलियां मिलती हैं।